अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल में आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा आयरा के खिलाफ जैद के कान भरेगी और कहेगी कि देखो जैद, मैंने तुम्हें और आयरा को एक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया और ये सब कुछ मैंने अपना घर बचाने के लिए किया। लेकिन अब आयरा अगर बात बात पर तमाशा बनाएगी तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम आयरा को समझाते क्यों नहीं हो? तो जैद कहेगा कि पता नहीं आजकल आयरा को क्या हो गया है, आयरा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। उसको भी तो सोचना चाहिए मैंने तुम दोनों की खुशियों के लिए क्या कुछ किया है। अगर उसको ये लगता है कि मैंने ऑफिस तुम दोनों के बीच में आने के लिए ज्वाइन किया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैद कहेगा कि मुबशरा, मुझे पता है तुम्हें मुझे वजाहतें देने की जरूरत नहीं है और जो कुछ तुमने हमारे लिए किया वो भी मैं भूला नहीं हूँ और ना ही कभी भूल सकता हूँ। ये तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान है। तो जैद के मुंह से जब मुबशरा अपनी तारीफें सुनती है तो उसे यकीन आ जाता है कि आखिर वो जिस प्लानिंग पर काम कर रही है वो कामयाब हो रही है। अभी वो मुझे हमदर्द समझ रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे प्यार भी करने लग जाएगा और बहुत जल्द आयरा से बेजार हो जाएगा। आयरा जिस तरह बेवकूफियां कर रही है जैद ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और एक दिन उसकी बर्दाश्त भी जवाब दी जाएगी और उसे ये लगेगा कि उसने आयरा के साथ शादी करके बहुत गलत किया। दूसरी तरफ आयरा भी सब देख रही है कि किस तरह मुबशरा आयरा को उससे दूर कर रही है लेकिन फिर भी वो ये सब देखने के बावजूद भी समझ नहीं पा रही और अपने गुस्से और बेवकूफियों की वजह से जैद के दिल से उतर रही है।